Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question पे बच्चों move on करते हैं. Mr. Manu started a business with a capital of rupees 4 lakh. So opening capital 4 lakh हो गया. इसके अलावा उसकी drawings ली हुई हैं 8000 rupees per month. ठीक है. Further introduction उसका दिया हुआ 75,000. और अगेन क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो मैं अब तक समझ आ चुकी है क्लोजिंग कैपिटल के लिए अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे बच्चों. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हैज ऑन 31st of March 2006 स्टार्ट किया उसने 1st अक्टूबर को, लेकिन कंप्लीट कर रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 31st of March को, तो 6 महीने के अकाउंट है. हालांकि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 6 महीने को या 8 महीने को या 1 साल के हो, हमें तो कैपिटल की फिगर चाहिए. हाँ, कोई डेप्रिसिएशन निकालना होता तो जरूरत पड़ती. कैलकुलेशन शुरू करते हैं बच्चों. यहाँ पे लिखा हुआ है ही बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख. सो लोन फ्रॉम फ्रेंड उसने बीच में लिया था 1 लाख रुपए. इसके अलावा कैश है उसके पास बच्चों 30,000. स्टॉक गिवन है उसके पास साल के एंड में 4,70,000. डेटर्स हैं उसके 3,50,000 और क्रेडिटर्स हैं साल के एंड में 3 लाख. बहुत सिंपल फिगर्स दी हुई हैं. मैंने इसकी टोटलिंग करी, मेरी बैलेंस शीट मेरे हाथ में आ गई. टोटल मैंने किया 8,50,000 में से 4 लाख माइनस किया तो 4,50,000 इज माय कैपिटल. दिस इज बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आ गया. बस अब सब कुछ है हमारे पास. क्या बनाए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. और फॉर द ईयर वर्ड नहीं लिखना, फॉर द हाफ ईयर लिख सकते हैं या फॉर द 6 मंथ्स पीरियड या फॉर द पीरियड एंडेड 31st मार्च 2006. ठीक है, से ये क्लियर हो जाता है कि ये पूरे ईयर का. अगेन क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली हमने 4,50,000 एंड हमने की ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में दी हुई थी 8,000 रुपीज पर मंथ, साल भर की 12 मंथ की 96,000 हो गई बच्चा, 5,46,000 आ गया. और लेस फर्दर इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में आपको शायद फिगर जो दी हुई है देख लेता हूं. ये रहा 75,000 रुपीज मैंने माइनस कर दिया. 4,71,000 मेरे पास बचा बैलेंस, और इस बैलेंस में से ओपनिंग कैपिटल मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओपनिंग कैपिटल देखें क्वेश्चन में उसने स्टार्टिंग की थी बिजनेस की, ये रही 4 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल था. सो 4 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल माइनस किया. अगेन इसमें भी पॉजिटिव आंसर है 71,000. सो आंसर इज नेट प्रॉफिट. मेरा ख्याल से अब तक तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि हमारे को जो चाहिए उसके लिए बैलेंस शीट बनानी है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही हमारे इक्वेशन का मेन सॉल्यूशन है. राइट, डन.